तो हाँ गाइस, मैंने फाइनली ले लिया Logitech का, देख सकते हो वायरलेस माइक, जिस माइक का यूज करके आप आने वाली ब्लॉगिंग में आपको मजा आने वाला है। जो ब्लॉगिंग मैं बनाऊंगा इसी माइक के थ्रू बनाऊंगा ब्लॉगिंग, जैसे तो Logitech का है। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला डिटेली फुल वीडियो। ये जो मेरी वॉइस आप सुन रहे हो ये मेरे फोन की माइक की वॉइस है, कोई बाहर का इंटरनेशनल माइक नहीं है। देख सकते हो आप मेरे आस पास कोई माइक नहीं लगा हुआ है, देख सकते हो। तो दोस्तों इसीलिए मैं फ़ोन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये घर के अंदर रिकॉर्डिंग है, ठीक। और मैं यही माइक आपको मैं दिखाऊंगा बाहर में यूज़ करके कैसा लगता है और आपकी इसके अंदर वॉइस कितनी क्लियर होती है दूसरे फ़ोन के अंदर दोस्तों। और इतना नहीं, मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि ये माइक सिर्फ उसी फ़ोन में यूज होता है जिस फ़ोन के अंदर सी टाइप केबल हो, ठीक है दोस्तों, और अन्य फ़ोन में नहीं यूज होगा। तो सारी डिटेल पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारी डिटेल बताने वाला और इसकी अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूं मैं। अनबॉक्सिंग के अंदर बताने वाला आपको क्या क्या मिलने वाला है इस माइक के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कौन कौन सी माइक होगा, कौन कौन सा आपको टूल्स मिलने वाला और कौन सा रिसीवर कैसे कनेक्ट होगा, ये सब भी मैं आपको फुली डिटेल में बताने वाला हूँ। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना जो आ रहा है दोस्तों। जैसे तो बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, यहाँ देख सकते हो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं करा उन्होंने, बस वीडियो देख लेते मेरी और चले जाते हैं। सब्सक्राइब करो दोस्तों क्योंकि आने वाले टाइम पे और मस्त मस्त ब्लॉगिंग और टैग की वीडियो आने वाली इस चैनल के ऊपर, वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। मैं आपको अनबॉक्सिंग तो करके दिखाऊँ प्लस में जो वॉइस ओवर होती है वो भी बताऊँगा इसके अंदर क्या क्या है प्रूफ, वो भी सब आपको बताना। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी तो वीडियो थोड़ा सा स्किप मत करना बिल्कुल भी, वीडियो लास्ट तक देखना। चलो वीडियो आपको मैं बाहर जाके दिखाता हूँ फाइनली। तो दोस्तों फाइनली Logitech का देख सकते हो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, ये बॉक्स है। उसके बाद मैं बॉक्स के अंदर दिखाता हूँ आपको क्या क्या ओपन करने के बाद मिलता है हमें, देख सकते हो ध्यान से देखना। ये देखो ये हमें ओपन करने के बाद मिलता है इसके अंदर, ये है देखो, वन ट्रांजेक्शन, एक रिसीवर और दो माइक, एक रिसीवर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये सारे तामझाम देख सकते हो ये क्या क्या है इसके अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। ये मिलता है माइक के हमारे साथ, दो पफिंग जो होता है ना जो ऊपर लगता है वो है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये है डाटा केबल, जो चार्जिंग वाला पॉइंट होता है वाला पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो ये है मोबाइल रिसीवर, जो मोबाइल के अंदर रिसीव करके आपको यूज़ करना, जो मैंने पहले बता रखा सी टाइप का चार्जर होगा उसी वाले में यूज़ होने वाला, ठीक है दोस्तों, और अन्य वाले में नहीं होगा। ये मेरे बिना माइक का आवाज़ सुन रहे हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हो ये भी डाटा रिसीवर ही है दोनों एक तरह से, ये भी वही साथ में मिलेगा आपको, दो रिसीवर मिलेगा और प्लस में लाइव आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो अपने फ़ोन की, ये भी आप देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। लाइव रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आपको ये माइक दिया जाएगा, ये जो हेडफोन होता है वो मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको मिलने वाला मेन्यू आप देख के फॉलो कर सकते हो, आपको क्या क्या इसके अंदर यूज़ करने वाला चीज़ बताएगा, ठीक है। और एक ये मेन्यू है। तो दोस्तों इतना हो चुका है, अब हमें आपको सेटअप करके दिखाने वाला हूँ इसके अंदर रिसीवर और फ़ोन कैसे सेटअप होता है। तो चलो अगली पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, रिसीवर और फ़ोन कैसे सेटिंग करना है, आपको क्या करना है एक अपनी इस वाले में मैं आपको वीडियो बनाकर जिसमें दिखा रहा हूँ इसी में आपको दिखा लेता हूँ, ठीक है, रिसीवर सेट करके। तो दोस्तों आप इसी गाइडलाइन के थ्रू अपने आप को अपने इस फ़ोन को मतलब जिस फ़ोन में आप यूज़ करने वाले हो इसी गाइडलाइन के थ्रू आप उसको यूज़ करो तो आपके माइक परफेक्ट यूज होने वाला है और परफेक्ट गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। देखो इसके अंदर ओपन कैमरे के बताया गया अकॉर्डिंग ओपन कैमरा आप डाउनलोड करो, ओपन कैमरे के अंदर आपको अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो सीधा इसको स्कैनर कोड करो, ओपन कैमरा डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में, ठीक है दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको इस ओपन कैमरे के सेटिंग में जाके इस तरह से आपको इसके अंदर एक्सटेंशनल माइक को यूज़ करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट ये रिसीवर आए और आपको कैसे कैसे इसका यूज़ करना है, इसके अंदर रिसीवर को कैसे सेटअप करना है। तो देख सकते हो रिसीवर के अंदर देख सकते हो आपको ये देगा प्लस और माइनस का वॉइस, जो आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद राउंड करेंगे नीचे म्यूट पे आएगा ऑप्शन और एक आएगा ये जो ऑफ एंड ऑन होगा, ठीक है। इतना ही नहीं, आपको देखो सी टाइप का चार्जर और एक होल्डर देगा जो होगा उसके लिए आपके जो लीड लगाते यूज़ करते हो उसके लिए, जो लाइव लोकेशन होगा लीड उसके लिए, जैसे इसका यूज़ करेंगे हम, ये भी मैं बताने वाला। और रिसीवर को कैसे कनेक्ट करते हैं आपको मैं बताता हूँ। तो सी टाइप का चार्जर है, उसके बाद आपको क्या करना है सी टाइप का आपको इसके अंदर ढूंढ लेना है, जो आपको डबल डबल सी टाइप का, जैसे कि ये सी टाइप का दोनों तरफ ये सी टाइप का है ना, एक तो ये भी सी टाइप का ये भी सी टाइप का, तो एक सी टाइप का इसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है, एक सी टाइप का आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है और OTG चालू कर देना है। तो ये जो रिसीवर होगा तो यहाँ पे दिख रहे होंगे ये जितने भी आइकन है ना ये सारे ऑन हो जाएंगे, जैसे इको आइकन है, ये वॉइस आइकन है, ये कनेक्ट आइकन है और ये प्लस आपका चार्जिंग आइकन है, ये सारे चारों आइकन आपको ब्लिंक करने दिखेंगे। तो मैं इसके देख सकते हो इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो ये ब्लिंक होगा धीरे धीरे, देखो ब्लिंक हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो ब्लिंक हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको क्या करना है, आपको
जिससे मैं आपकी आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसी फ़ोन में मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ और इसी फ़ोन में यूज़ करना है तो मैं फटाफट ओपन कैमरा डाउनलोड करके इसके अंदर सारा सिस्टम करके फिर मैं आपको इसके अंदर यूज़ करना दिखाता हूँ। तो ये मेरे फ़ोन की आवाज़ है जो आप सुन रहे हो, जितने डिस्टेंस में मैंने आपको ये वॉइस सुना रहा हूँ उतने डिस्टेंस में मैं माइक का यूज़ भी करके दिखाऊंगा। उस माइक का यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा कितने डिस्टेंस में आपको फ़ायदा मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, तो मेरे फ़ोन की आवाज़ है, उसके बाद हमें अपने माइक की आवाज़ सुनाता हूँ। दोनों वॉइस सुनकर आप बताना कौन सा वॉइस अच्छी लगी आपको। मेरी जो वॉइस सुन रहे हो ये मेरी वॉइस है इस माइक से DWM001 से, जो आपको अभी मेरी वॉइस रियर सुनाई दे रही होगी। और आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो मैं 2 फीट की दूरी में हूँ और इसका जो मीटर होता है 50 सेंटीमीटर जो दिया जाता है, जो 10 कदम 20 कदम पीछे से आप सुन सकते हो, जो मेरी वॉइस अभी क्लियर आ रही होगी। इसके अंदर एक और बताऊँ, नॉइज रिडक्शन का भी है ऑप्शन। यहाँ जो ये जो आएगा इको वाला ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो यहाँ ब्लू जो बटन आएगा ना माइक वाला, उस वाले ब्लू हो जाएगा तो समझो आपको इको ऑप्शन और प्लस में आपका चालू हो जाएगा, जो नॉइस बगल में आ रहा है नॉइस नहीं आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, इतना ही नहीं मैं आपको बता देता हूँ, आप लाइव जो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, आपको ये जो लीड दिया हुआ है आप इसके अंदर एक्सटेंशन यहाँ से डाल के लाइव अपनी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, जो आपको जो रिकॉर्ड हो रहा है अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरी नॉइस जो अगर आपको आ रही हो वीडियो के पीछे से तो आप ये समझो कि नॉइस बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। तो मैं थर्ड पार्टी ऐप नहीं यूज़ करा, इस माइक का यूज़ करने के बाद मैंने नॉइस रिमूव करा है। तो आई होप आप समझ गए DWM001 है डिजिटेक का माइक, आप ये परचेस के लिए ना 4500 रुपये का है दोस्तों। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करके और जरूर क्लिक कर देना।